नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े डेली के टॉप 5 समाचार से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निकाली तकनीकी अधिकारी के पद पर रिक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तकनीकी अधिकारियों के 19 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री 60% अंकों के साथ या इसके समकक्ष या एक साल का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31/1/2021 को आधिकारिक वेबसाइट www.ecir.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबलिंक पर जाकर ले सकते हैं। राजपथ पर ब्रह्मोस मिसाइल के दस्ते को लीड करेंगे बिहार के लाल। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ पर बिहारियों का बोलबाला देखने को मिलने वाला है। जहां एक तरफ भावना कांत राफेल उड़ाती दिखाई देंगी, वहीं अब होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के मूल निवासी कैप्टन मोहम्मद कमरुल जामा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, परेड में देश भर की निगाहें इस मिसाइल पर रहेंगी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 2018 के पास आउट होने के बाद वो अभी भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर है। इन दिनों थल सेना के मिसाइल रेजिमेंट में तैनात है और देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा सीतामढ़ी उच्च विद्यालय से पूरी करने के बाद कैप्टन जामा ने सेना में एक जवान के रूप में ज्वाइन किया था। 2012 में वो आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी तरह के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। बिहार में मौसम का मिजाज आने वाले 2 दिनों तक ठंड भरा ही रहने वाला है। वर्तमान समय में राज्य के कई शहरों में ठंड की भयानक स्थिति देखने को मिल रही है। जहां राज्य के अधिकतर शहरों में दिन में कहीं कोहरा और कहीं बादल छाए रहने वाले हैं, वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी भी देखने को मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में देश के उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं ने दिन के तापमान में कमी लाई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बांग्लादेश के आसपास बने चक्रवात के कारण गर्म हवाएं निकल रही हैं, ऐसे में कोहरा छाया रह रहा है। अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवाओं ने निकाली साइकिल यात्रा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए बिहार के 3 युवाओं ने साइकिल यात्रा निकाली है। गोपालगंज के राम नरेश नगर मोहल्ले से निकले इन युवाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली थी। यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए ही राजभवन पहुंचेगी। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार से पर्यावरण सुरक्षा को लक्ष्य बनाकर स्वस्थ भारत के निर्माण में स्वस्थ जीवन के मद्देनजर 3 युवक ऋतिक रमन, ऋषभ वर्मा और राशिद खान ने जैसलमेर राजस्थान के लिए राम नरेश नगर मोहल्ले से साइकिल द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के दौरान प्रति किलोमीटर 1 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 131 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,897 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 51 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही नवादा में 12 और दरभंगा सीतामढ़ी में 6 मामलों की पुष्टि हुई है। पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट लेने के नियमों में हुआ बदलाव। बिहार में मई महीने के आसपास पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, जिसको लेकर कुल 1,35,783 पदों पर इतने ही निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची की तैयारी की जा रही है। मतदाता सूची तैयारी को लेकर हर निर्वाचन क्षेत्र में दावा आपत्ति का काम भी चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिया जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी बिक्री का काम भी शुरू हो जाएगा। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को भुगतान के बाद अधिकतम 5 कॉपी ही खरीदने की अनुमति मिलेगी। प्रत्याशियों को प्रति पेज 2 रुपए की दर से भुगतान करना होगा। बिहार पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए पैसे देगी सरकार। अब बिहार पुलिस को सरकार मॉडर्न बनाने का काम करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों में बजट तैयार करने की पहल शुरू कर चुकी है। पुलिस विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद सभी आधिकारिक रूप से बजट का प्रारूप नहीं बना है, लेकिन खर्च और योजनाओं के आकार तय किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण में लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें भवन निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़करण को लेकर खर्च का ब्यौरा रहेगा। सुदृढ़करण मद की राशि संसाधनों की खरीद में खर्च होगी। गौरतलब है कि इस बार पुलिस विभाग का बजट 2,055 करोड़ के लगभग रहने वाला है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के हिमांशु की सुनाई देगी आवाज। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार बिहारियों का बोलबाला देखने को मिलने वाला है। इसी क्रम में इस सूची में एक और नाम अब जुड़ गया है। कभी गंगा के तट पर खड़े होकर अपने दोस्तों को गायन कला से रूबरू कराने वाले समस्तीपुर के लाल हिमांशु के बोल इस बार राजपथ पर गूंजेंगे। दियारा के इस लाल की कला से अभिभूत होकर भारत सरकार के कार्यक्रम प्रभाग ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पार्श्व गायन के लिए इनका चयन किया है। जिले के मोहिद्दीन नगर प्रखंड के रमैया गांव के रहने वाले हिमांशु कुमार मनीष प्राण द्वारा रचित भारत हो रहा आत्मनिर्भर इस गाने को शरद श्रीवास्तव के संगीत को अपनी आवाज देंगे, जिसका सीधा प्रसारण होने वाला है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे भावना कांत की। भावना कांत का जन्म 1 दिसंबर 1992 को बिहार के बरौनी में हुआ था। हालांकि भावना का पैतृक गांव बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव में है। भावना के पिता इंडियन ऑयल कंपनी में इंजीनियर थे। भावना की प्रारंभिक पढ़ाई बिहार के बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में डीएवी विद्यालय में हुई थी। उसके बाद भावना कांत आगे की पढ़ाई के लिए राजस्थान के कोटा चली गई थी और वहां इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगी थी। इसी दौरान भावना ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में जाने का मन बनाया, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी थी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम में अपनी इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। आपको बता दें, भावना कांत को 10वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने पर मेधा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में बर्ड टूरिज्म की है अपार संभावनाएं। बिहार में हमेशा सरकारी राजस्व में कमी का सवाल उठता रहा है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को लेकर जितनी संभावनाएं हैं उस पर पर्याप्त चर्चा भी नहीं हो पाती है। बिहार में न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर की भरमार है, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के मामले में भी बिहार काफी धनी है। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं को लेकर प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़े विशेष राजस्व के रूप में इसे बड़े अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। विशेष तौर पर पक्षियों को लेकर हाल ही के दिनों में जो काम हुए हैं और राजकीय पक्षी महोत्सव के बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि बिहार में बर्ड टूरिज्म की बेहतरीन संभावनाएं हैं, जो पूरे विश्व में अपने आप में राजस्व का एक बेहतरीन साधन बनकर उभरा है। एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस। एक बार फिर से विक्रमशिला ट्रेन का परिचालन होने वाला है। वर्तमान समय में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन के रूप में हो रहा था। हालांकि अब रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों का परिचालन सामान्य कराने का निर्णय ले लिया है। विक्रमशिला सुपरफास्ट का परिचालन 29 जनवरी से सामान्य हो जाएगा। सप्ताह के 7 दिनों तक इसका भागलपुर में नियोजित परिचालन होगा। वहीं आनंद विहार टर्मिनल में यह ट्रेन 30 जनवरी से सामान्य हो जाएंगी। बिहार में सभी पेट्रोल पंप और गाड़ियों के शोरूम में होगी प्रदूषण की जांच। अब बिहार के सभी पेट्रोल पंप और गाड़ियों के शोरूम में प्रदूषण की जांच करवाई जा सकेगी, क्योंकि सभी जगहों पर अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की तैयारी हो रही है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 महीने यानी मार्च तक इस निर्णय पर अमल हो जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बात की जानकारी दी है और इस बाबत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य में अधिक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का मकसद यह है कि गाड़ी मालिक को पॉल्यूशन जांच कराने में परेशानी ना हो, साथ ही केंद्र खोलने से लोगों को रोजगार भी मिले। विभाग ने सभी टीटीओ एमवीआई को कहा है कि कई जिलों में पॉल्यूशन सेंटर कम खुले हुए हैं। बिहार के 3 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री मेडल के लिए किया गया चयनित। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आए दिन बिहारवासी समय समय पर देते रहते हैं। इसी क्रम में अब बिहार के 3 पुलिसकर्मियों ने भी बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार इन पुलिसकर्मियों का चयन केंद्रीय गृहमंत्री मेडल के लिए किया गया है। इनमें पुलिस अकेडमी राजगीर के हवलदार भोगेंद्र मिश्र और सीटीसी नाथनगर के कांस्टेबल अनुरंजन कुमार और कांस्टेबल विपिन कुमार सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री मेडल की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच की उत्कृष्टता की पहचान करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की लालू यादव के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के स्वस्थ होने की कामना की है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि लालू जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी पर भी तंज कसा है और कहा है कि पहले तो हम फोन करके हालचाल लेते थे, लेकिन उनका जो ख्याल रखता था वो क्या क्या बोलने लगा था, इसके बाद से समाचार के माध्यम से ही जानकारी लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती राजद अध्यक्ष लालू यादव को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है, जहां एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज शुरू किया गया है।
बिहार में अब आम इंसान को भी जल्द ही लगेगा टीका। बिहार में 16 जनवरी से टीकाकरण का काम करवाया जा रहा है। हालांकि पहले चरण में टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का काम किया गया था। हालांकि अब जल्द ही आम नागरिकों को भी टीका लगाने का काम किया जाएगा। आम लोगों के वैक्सीनेशन का नंबर जल्द आने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब हर सेंटर पर टीकाकरण का दो दो सेंटर बनाने का काम किया जाएगा। पटना में 5 सेंटर पर 28 जनवरी से प्रयोग के तौर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। फिर अन्य सेंटरों पर भी इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। आपको बता दें, राजधानी पटना में 17 और बिहार में 301 सेंटर में इसका शुभारंभ किया गया है। दिन समूचे बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इसी क्रम में रालोसपा, जदयू और राजद ने भी कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर उन्हें याद किया। इसी क्रम में बीते दिन जदयू ऑफिस में कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन करवाया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए थे। वहीं राजद कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। इसके दौरान शिवानंद तिवारी ने कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए बोला कि राजद नेता आज भी कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं। सेक्युलर नेताओं की विफलता ने मोदी को मौका देने का काम किया है। पटना के हनुमान नगर में एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सेंटर का उद्घाटन। ब्रेन और स्पाइन संबंधी बीमारियों का होगा इलाज। पटना के हनुमान नगर में एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस क्लिनिक की शुरुआत भारत शहर के दो मशहूर ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार और डॉक्टर मुकेश कुमार दोनों ने मिलकर किया है। इस मौके पर डॉक्टर धीरज कुमार ने कहा कि जो लोग ब्रेन और स्पाइन संबंधी बीमारियों का इलाज कराने दूसरे शहर में जाते हैं, उन्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लिनिक में आकर वो बेहतर इलाज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया है कि इस क्लिनिक में दोनों डॉक्टर मिलकर मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैट्रिक और इंटर के स्कूल टॉपर को किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस आने में बस कुछ ही समय रह गया है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कई सारे अहम चीजों को जोड़ा गया है। इसी क्रम में अब गणतंत्र दिवस के मौके पर ही मैट्रिक और इंटर के स्कूल टॉपर को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 और वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले लक्ष्मी नारायण राजवंशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढीबर के 7 छात्र छात्राओं को एनटीपीसी बाढ़ के मंदाकिनी क्लब द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित आज ही के दिन किया गया था। 3 साल के अंतराल के बाद 1980 में पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दोबारा प्रदान किए जाने की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी। प्रसिद्ध समाजसेवी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से आज ही के दिन सम्मानित किया गया था। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से आज ही के दिन नवाजा गया था। राम सेवक शंकर ने 1988 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में आज ही के दिन शपथ ग्रहण किया था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी में से एक अनंता सिंह का 1969 में उन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। राजद सुप्रीमो को रिहा करने के लिए तेज प्रताप यादव ने शुरू किया कैंपेन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद के सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। वहीं तबीयत को लेकर लालू यादव की रिहाई की मांग भी शुरू हो गई है। इसको लेकर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी मांग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पिता लालू यादव की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा है, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिरों में घंटी कौन बजाएगा, इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, लालू प्रसाद। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग लगाया, हैशटैग रिलीज लालू यादव। देखते ही देखते ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। कैमूर के वन्य जीव अभयारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह अभयारण्य भभुआ नगर के पास स्थित है। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है, जो मुख्यतः पहाड़ियों और ऊंची नीची भूमि तक सीमित है। इन वनों में ब्लैक बक, नील गाय, चिंगारा, बाघ, चीते, हाइना, स्लॉथ बियर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, जिनमें से कालीधा और अनुपम झील में मछलियां पाई जाती हैं। साथ ही आप यहाँ 70 प्रजातियों के पक्षियों को भी देख सकते हैं, जिनका यह निवास स्थान है। हालांकि यह संख्या सर्दियों में बढ़ जाती है, जब यहां मध्य एशिया क्षेत्र के पक्षियों का प्रवेश होता है। आज आधार कार्ड और डीएल के बाद होगी ई वोटर कार्ड सर्विस की शुरुआत। आज बिहार समेत पूरे देश में एक साथ ई वोटर आई कार्ड की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत अब आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड की तरह अब लोग अपने मोबाइल में ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि बिहार में यह सुचारू ढंग से 1 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के अंडर सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के सीईओ को दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसका प्रचार करवाए जाने की भी बात कही है। इसके लिए एक मोबाइल नंबर से एक वोटर आईडी कार्ड भी जुटाया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि आप कहीं भी अपने वोटर आईडी कार्ड की पीडीएफ का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस कार्ड पर बारकोड भी होगा।
राहुल द्रविड़ ने अपने आप को क्रेडिट मिलने पर दिया बयान। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हरा दिया था, जिसके बाद इस टेस्ट सीरीज में 2-1 से भारत को शानदार जीत मिली थी, जिसके बाद इस मैच में टीम इंडिया को मिली जीत का श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया जा रहा था, जिस पर अब राहुल द्रविड़ ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब मुझे बिना मतलब का क्रेडिट मिल रहा है, सारी तारीफ खिलाड़ियों की होनी चाहिए। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ईशांत शर्मा, हनुमा विहारी जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के बिना टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया और सीरीज अपने नाम किया। बॉर्डर गवास्कर सीरीज के दौरान टीम इंडिया खिलाड़ियों की चोट से जूझती रही, लेकिन इस दौरान युवा क्रिकेटरों ने टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की है। सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के बांद्रा में खरीदा 4 BHK अपार्टमेंट। दबंगर सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मेहनत से मुंबई के बांद्रा में 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा है, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि वो फिलहाल पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं होंगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है तभी से मेरा सपना था कि 30 साल के होने से पहले अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए घर खरीदूं। उन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले मैंने इस डेडलाइन को पार कर लिया है, लेकिन फिर भी अब जाकर मेरा वो सपना पूरा हो गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,710 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,710 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,610 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 87.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें लगा है उनके नाम है सूरज सिंह, गौतम कुमार, यमुना प्रसाद चौहान, विनय कुमार, विक्रम राज, रविंद्र पासवान, प्रकाश कुमार, सुमन मिश्रा, सोनू यादव, एनके मुन्ना ऑफिशियल, जोया जमाल, नीतीश कुमार, शैलेश कुमार, नीरज कुमार, शंकर विशाल, कार्तिक यादव, प्रहलाद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।